पूजनीय संत समाज, प्रिय विद्वतगण, सज्जनों और देवियों, कबीर साहब संत वो आध्यात्मिक पुरुष थे, लेकिन समाज में वे चलते थे, देखते थे, जहां जहां एकता को तोड़ने वाली बात देखते थे उनको खटकता था, और इसलिए भी मुरव्वत के उसको कहते थे। धर्म के नाम पर अलौकिकता और चमत्कार कहने वालों को टोकते ही नहीं थे, फटकारते थे। मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवार करने वालों को फटकारते थे। धर्म के ठेकेदार जो बनते हैं उनको भी क्षमा नहीं करते थे। गुरु बन करके, जगत तारक बन करके जो लोग एकाधिकारी ठेकेदार सत्य के बनते थे उनको भी क्षमा नहीं करते थे। कबीर ऐसे बने थे अद्भुत। द्विवेदी जी ने कहा कि दुनिया के इतिहास में इसका जोड़ा मिलना मुश्किल है। अच्छे अच्छे पुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी पुरुष हुए हैं, ये संसार रत्नों की खान है, लेकिन उनमें कबीर की पहचान बड़ी विलक्षण है। कुछ परिस्थितियां भी ऐसी थी। सुकरात के विषय में हम कह सकते हैं अपने जमाने के वे कबीर थे, लेकिन सुकरात आज से 2500 वर्ष हो रहे हुए यूनान में, एथेंस नगरी में, आंशिक चिंतक और तर्कशील समन्वय करने वाले, आडंबरों को काटने वाले महापुरुष अनेक हुए हैं, सब आदरणीय और पूज्य हैं। कबीर की अपनी बड़ी विलक्षणता, उनका न तो कोई रूढ़ ईश्वर था, न रूढ़ देवता, न रूढ़ जाति और वर्ण, न रूढ़ धर्म, मानो ही जात अंतरात्मा की आवाज और उसके अनुसार आचरण करना धर्म, अवात्मा ही परमात्मा। और इन्हीं मुद्दों के आधार पर उन्होंने जो कुछ कहा है उनकी वाणी में विद्यमान है। पहली जरूरत तो यह है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें शास्त्रत्व की भावना हमारी है कि नहीं। राष्ट्रीयता की बात बहुत कही जाती है, राष्ट्र क्या जमीन है कि मनुष्य है? राष्ट्र मनुष्य, अगर जमीन राष्ट्र है तो चंद्रमा भी राष्ट्र है, लेकिन वहां मनुष्य नहीं, उसको कोई राष्ट्र नहीं कह सकता है, मनुष्य राष्ट्र। और मनुष्य में जब तक हम भेदभाव रखते हैं तब तक राष्ट्रीय भावना कैसे आ सकती है? मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, वर्ण की दृष्टि से और संप्रदाय की दृष्टि से देखा जाता है। वर्ण, जहां तक वर्णवादी कहते हैं, एक मंडलेश्वर ने मुझसे कहा, मंडलेश्वर थे और कई लोग थे, कि आप जो कहते हैं ठीक है लेकिन फिर भी मर्यादा मर्यादा। मैंने कहा कौन सी मर्यादा? तो जो हम लोग वहां पहुंचे थे तो अपनी गद्दी वो छोड़ करके नीचे उतर गए थे और छोटी छोटी कई गद्दियां रख दी गई, हम सब बैठे तो गद्दी की तरफ कहे कि इसकी मर्यादा। मैंने कहा इसकी मर्यादा क्या है? चुप। मैंने कहा बताइए। बस वही बात कि ब्राह्मण इस पर बैठ सकता, कह तो नहीं पाए। मैंने कहा एक भीवरी का बच्चा आए, साधन संपन्न हो तो इस पर बैठ सकता है कि नहीं? तो चुप। वो विद्वान है, संस्कृत के अच्छे पंडित हैं। मैंने कहा वेद व्यास धीवरी के बच्चे थे,
और उन्हीं के नाम से व्यास गद्दी। तो एक भिवरी का बच्चा इस पर बैठ सकता है? नहीं। तो शर्मा करके वो भी हंसती और सभी लोग हंसते। और विद्वान थे, जानते थे, लेकिन जान करके भी आदमी जब स्वार्थ में पड़ जाता है तो कैसा भूल जाता है। वेदों को पढ़ने से पता लगता है आज की चर्ता वर्ण व्यवस्था की उसमें नहीं है, बस केवल आर्ज और अनार्ज का द्वंद्व है, वो सत्ता का प्रश्न है, छुआछूत नहीं है, कहीं छुआछूत की बात नहीं चारों वेदों में, और आज जैसी वर्ण व्यवस्था की भी कोई बात नहीं। लेकिन वेदों की बातों पर भी विचार करने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि तिवारी वेद पढ़ सकता है, त्यौराइन नहीं पढ़ सकती, पांडे वेद पढ़ सकते, पढ़ाई नहीं पढ़ सकती। और वे जानते थे कि वेदों में अनेक ऐसे रचनाकार हैं जो नारियां। एक जगह में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में मेरा प्रवचन हुआ तो वहां के जो बड़े अफसर थे बहुत खुश हुए, कहीं इसकी तो बड़ी जरूरत है जगह जगह। संजोग से जिसे ब्राह्मण कहते उसी घर के आदमी थे, उन्होंने कहा महाराज मैंने एक प्रसिद्ध शंकराचार्य से पूछा कि स्त्रियों का अधिकार वेदों में क्या स्वामी जी आप भी मानते कि नहीं है? कहे हाँ बिल्कुल सच है, नहीं है। तो कहे गार्गी फिर कैसे विकसित थी? कहे बकवास करते हो। अभी कोई उत्तर हुआ? वो भी विद्वान जानते हैं। तो जो लोग कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, वैदिक हैं, वे वेदों को कितना समझना चाहते हैं, कितना नजरअंदाज करना चाहते हैं। भारतवर्ष एक देश है, इस देश में जितने लोग हैं वो भारतवासी हैं, सबको ये मानना चाहिए। भारत हमारा देश है और इसी में जन्मे, इसी मिट्टी में मिलना है। यहाँ के चाहे जितने नाम, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, जो भी हो, सब भारतीय, ये सबको निष्ठा होनी चाहिए। जो सांप्रदायिक भावना फैलाना चाहते हैं उनको ये समझना चाहिए कि भारत के लोग जब तक एक न होंगे, उनमें विद्वेष की भावना फैलाई जाएगी तो राष्ट्र सुरक्षित कैसे रहे। अवगति के लिए कुल हो रहा है, धर्म को ले लिया तो मंदिर और मस्जिद ले लिया जाता है, और सब कुर्सी का चक्कर है। नहीं तो राम और रहीम को जगह नहीं मिलती है, आप उनके लिए करुणा करके मकान बना रहे हैं। तो हम अपने ही शास्त्रों को नहीं पढ़ पाते। वेद में बात आती है जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, नाना धर्माणं पृथ्वी यथोक्षम, सहस्रम धारा द्रवण से मिधुआम, ध्रुवे धेनुर नप अस्फुरंती। जन्म विवृति बहुधा विवाचसम, अय पृथ्वी माता तुम जनों को धारण करती हो, मनुष्यों को धारण करती हो, प्राणियों को, यहां खास बात मनुष्य है, मनुष्यों को धारण करती हो। वे मनुष्य कैसे हैं? बहुधा विवाचसम और नाना धर्माणम, बहुधा विवाचसम नाना भाषा बोलने वाले, और नाना धर्माणम नाना संप्रदायों में चलने वाले। एक बात पर यह भी ध्यान दीजिए, धर्म निरपेक्ष राज आज कहा जाता है, धर्म निरपेक्ष कहना गलत है, संप्रदाय निरपेक्ष कहना चाहिए। भारत सरकार किसी संप्रदाय को श्रेय नहीं देगी। अगर प्रधानमंत्री किसी संप्रदाय में है तो व्यक्तिगत उसके नियमों का उपालन करेगा, लेकिन राष्ट्र पर लागू नहीं करेगा। धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है, संप्रदाय निरपेक्ष राज्य। लेकिन लोग संप्रदायों को धर्म कहते हैं, इसलिए सरकार के लोग भी कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। और ये बात वैदिक युग में भी रही, वैदिक ऋषि भी कहते हैं नाना धर्माणम,
कहना चाहिए नाना संप्रदाय धर्माणम नहीं, धर्म नाना होता ही नहीं, लेकिन उनका दोष हमें नहीं मानना है। जरूरी थी संप्रदायों को धर्म कहने का, लेकिन धर्म और संप्रदाय के भेद को समझना चाहिए। संप्रदाय वह है जो किसी व्यक्ति से प्रवर्तित हो, किसी एक पुस्तक से बद्ध हो, किसी एक नियमावली से बद्ध हो, वो संप्रदाय है। धर्म हुआ है जो शाश्वत हो, सर्वत्र हो, परिपूर्ण हो, सब जगह हो, किसी दूसरे लोक में चले जाए तो वहां भी उसकी आवश्यकता हो। आजकल जितने संप्रदाय दुनिया में हैं, कोई 2500 वर्ष के अंदर के, इस्लाम 1400 वर्ष 1422 वर्ष हो रहे, ईसाइयत 2000 वर्ष, बुद्ध तो 2000 वर्ष, जैन पुराना है, लेकिन जैन साहित्य भी महावीर स्वामी के बाद अस्तित्व में आया। हिंदू शब्द भी बहुत पुराना नहीं, वेदों में तो हिंदू शब्द है ही नहीं, उपनिषदों में भी नहीं, वैदिक साहित्य में नहीं। वेद ऋग यजुर् साम अथर्व और वैदिक साहित्य ब्राह्मण सूत्र उपनिषद इत्यादि सब उसमें आ जाते हैं। आरण्यक ब्राह्मण आरण्यक और सूत्र ग्रंथ इन्हीं में उपनिषदें आ जाती है, इनमें कहीं हिंदू शब्द नहीं, 6 शास्त्रों में हिंदू शब्द नहीं, महाभारत रामायण में भी नहीं, गोस्वामी जी ने भी अपनी अपने मानस में नहीं लिखा हिंदू शब्द। ये भी 2500 वर्षों से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ है। सिंध नदी को हिंद नदी कहा पारसियों ने, और फिर इधर के लोगों को हिंदू, फिर हिंदुस्तान हुआ, पीछे चल करके हिंदू धर्म कहा जाने लगा। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक समाज है। भारतीय भारत में जितने लोग हैं हिंदू कहना चाहिए, जैसे चीन में चाइनीज, लेकिन फिर भी यहाँ वो रूढ़ नहीं है। तो हिंदू शब्द भी 2000 वर्षों से शब्द, जो भी शब्द बनेंगे देश काल सापेक्ष होंगे, जो नियम बनेंगे देश काल सापेक्ष होंगे। वैदिक युग का नियम आज कहीं नहीं दिखाई देता है। मरुत वरुण उषा अश्विनी इंद्र अग्नि अनेक देवता हैं जिनके लिए प्रार्थनाएं हैं और उन्हीं के नाम पर हवन है। राम कृष्ण विष्णु शिव गणेश हनुमान की कहीं चर्चे नहीं है। पंडित लोग उसमें से बाल की खाल फाड़ करके निकालते हैं, वो तो सब निकालने लग गए। अभी हनुमान जी पर एक किताब छपी मोटी, सब वेदों से उद्धृत है, मंत्रों से एकदम। एक पंडित जी ला करके मुझे दिखाए, क्या महाराज वेदों में हनुमान जी हैं? मैंने कहा वेदों में हनुमान जी के पूज्य सिर राम जी नहीं है तो हनुमान जी कैसे हो गए? तो उन्होंने दिखाया, मैंने कहा गजब हुआ, एक प्रसिद्ध संस्था द्वारा वो छपी, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हरि शब्द जितना आया है हनुमान को ले लिया गया है। वाल्मीकि रामायण में हरि शब्द बानर है, लेकिन वेदों में हरि का अर्थ है घोड़ा, और रश्मियों को भी हरि कहा गया है, क्योंकि जो सूर्य की रश्मियां हैं वे सूर्य के अश्व हैं। और हनुमान जी की चर्चा उसमें कहीं नहीं, लेकिन वैसे ईसाई कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम। देखिए आपके वेद में शुक्ल यजुर्वेद के पहला मंत्र का पहला मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम, तो ईशा की बात आपके वेद में भी है। पौराणिक कबीर पंथी भी कहते हैं कबीर वेद में, आशु शिशानो वृषभो न भीमो घना घनश्चोपड़ी नाम संक्रंदनो अनमिख ए कबीर शतम सेना आजित शाकमिंद्र। ए कबीर अय कबीर, एक वीर है अदिति वीर इंद्र, लेकिन पौराणिक कबीर पंथी उसमें कबीर खोज लेते हैं, राधा माधव उसमें खोज लिया जाता है। कबीर साहब ने व्यंग किया है, चार वेद कैड़ा कियो निराकार कियो राज, बिना कबीरा चुनरी मैं नहीं बांध लबार। इसकी व्याख्या मैंने विस्तार से कहा, यहाँ नहीं कर पाऊंगा। साहब ने कहा चार वेद कैड़ा किया इन लोगों ने, भारतीयों ने अपने सिद्धांत का मापदंड बना लिया और मनमानी अर्थ करके अनर्थ किया। तो वेद बहुत विशाल है,
शब्द मिल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ किया जाता है। लेकिन जितनी परंपराएं आजकल भारत में नहीं पूरे विश्व में हैं, ये बहुत पुरानी नहीं, 2500-3000 वर्षों के अंदर की, पहले कुछ और संप्रदाय के रूप रहे होंगे। संप्रदाय बनते और बिगड़ते हैं, धर्म बनता बिगड़ता नहीं। धर्मशील है, क्षमा है, करुणा है, दया है, जल का शीतत्व धर्म है, वायु की कोमलता, पृथ्वी की कठोरता, आत्मा का धर्म ज्ञान। हमारा ज्ञान क्या बताता है, क्या करना चाहिए। हमें तकलीफ भी नहीं, दूसरे को तकलीफ न देना धर्म है। दो आदमी इकट्ठे हो तो एक दूसरे के प्रति सद्वर्ताव करें, ये धर्म है। साहब ने कहा, सदा धर्म जाके हृदय बसई, राम कसौटी कसतई रहे। जिसके हृदय में सदैव धर्म बसता और राम कसौटी से अपने को कसता रहता है। राम कसौटी मतलब अंतरात्मा की कसौटी। राम कहो रहीम कहो, इसीलिए दोनों शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और दोनों का लाक्षणिक अर्थ है कि किसी भी मत का शब्द हो, शब्द पंगु, पानी पियो, जल पियो, वाटर पियो, बात एक। अंतरात्मा की कसौटी से कस करके आचरण करो, जीवन धर्म में हो। हम किसी लोक में चले जाएं, वहां मनुष्य हो और विकसित हो, तो वहां भी शील, क्षमा, करुणा ही मूल्यवान होंगे। इस पृथ्वी मंडल के जो नियम हैं संप्रदायों के, वहां नहीं हो, न वहां वेद होगा, न कुरान होगा, न बाइबिल होगी, न गीता, न रामायण, न गुरुवाणी, न बीजक, न राम, न रहीम, न यहाँ की पूजा पद्धतियां, उनकी अपनी कुछ हो सकती है। लेकिन जो शाश्वत मूल्य है वो नैतिकता है, सदाचार है, प्यार है, सद्भाव है। तो मैं कह रहा था कि धर्म, नाना धर्माणम कहा गया और नाना संप्रदाय समझिए। अय पृथ्वी माता, तुम ऐसे जनों को धारण करती हो जो बहुत भाषा बोलते हैं और नाना संप्रदायों में चलते हैं। अभी वेद की बात है, अथर्व वेद में आया है। वैदिक राष्ट्रीयता मैंने अलग से छाप दी है, इस समय मैं वेदों पर लिखता हूं, तो तीन संदर्भों को उसमें छापा है। अथर्व वेद का ये मंत्र है, जो वेद मानते हैं और वेद को पूज्य ग्रंथ समझते हैं, समझना चाहिए वेद क्या कह रहा है। पृथ्वी माता, नाना भाषा बोलने वालों को तुम धारण करती हो, नाना संप्रदायों में चलने वाले को तुम धारण करती हो। कैसे? यथोक्षम, जैसे घर परिवार के सभी सदस्यों को धारण करता है, वैसे तुम पृथ्वी के सभी सदस्यों को धारण करती हो। एकता की कितनी बढ़िया बात है। वो वेद को कहां समझते हैं जो भारत वर्ष में ही दीवार बनाने के चक्कर में पड़े। भारत वर्ष के जितने लोग हैं सब भारतीय, और अगर कुर्सी के मोह में पढ़ करके विद्वेष की भावना फैलाई जाएगी तो देश का कल्याण नहीं। देश को स्वस्थ करने के लिए जरूरी है मानव मात्र को हम एक दृष्टि से देखें। जातिवाद, संप्रदायवाद, ये दोनों भयंकर रोग है। जन्म से कोई पूज्य होता है और जन्म से कोई नीच होता है, यह धारणा अपराध नहीं है, महापाप है। और इस महापाप पर साहेब ने उस समय कुल्हाड़ा चलाया जब पंडित लोग अपने संप्रदाय में कट्टर थे, मुल्ला अपनी तरफ। उन दोनों के बीच में उन्होंने कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहन आया, और जो तू तुरुक तुरुक निक जाए पेटे काहन सुनत कराया। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो खतना हो करके आना चाहिए था। ईश्वर पूरा पूरी पूरा शरीर बनाए, उतनी सी भूल कर दे न बना पाए। और तुम ब्राह्मण हो, जन्म से पुनीत हो, तो उसी रास्ते से कैसे पैदा होगे, दूसरे रास्ते से पैदा होना चाहिए। उसी जमाने में बोधक नामक का एक ब्राह्मण था, कह दिया था जैसे इस्लाम धर्म वैसे हिंदू धर्म दोनों से कल्याण है, तो उसको फांसी की सजा हुई थी कि इस्लाम के समान हिंदू हो सकता है। और उसी जमाने में कबीर साहब ऐसा कह रहे थे,
और कबीर साहब को कुछ नहीं हुआ। दोनों खींचे मुल्ला और पंडित कबीर पर, लेकिन धीरे धीरे समझे कबीर एक विचित्र व्यक्ति। कबीर न हिंदू है न मुसलमान है, कबीर इंसान है। और इसीलिए आईने अकबरी में कबीर के विषय में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा गया। फजल ने कहा है उनको एकता के प्रेरक और ज्योतित जीवन वाला बताया गया। तो कबीर की तड़फन थी कि जात के नाम पर जो देश का बंटवारा हो रहा है, समाज का बंटवारा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। जात संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ है उत्पन्न होना। जात यानी उत्पन्न होना, जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात एक है। घोड़ी से और ऊंट से बच्चे नहीं होते, इसलिए उनकी जातियां अलग है, ऐसे आप समझ लीजिए। लेकिन इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने की नारी से बच्चे होते हैं, इसलिए मानव में दो जात नहीं। जो रक्तों का ग्रुप है वो भी पिता पुत्र में नहीं मिल पाता है, इसलिए मानव को एक दृष्टि से देखने की जरूरत है। कम से कम जितने लोग यहां बैठे, मेरा निवेदन है कि आप इस अपील को स्वीकारिए और जात पूछ करके इंसान का मूल्यांकन करना छोड़िए। भारतवर्ष में तो रास्ते चलते लोग पूछते, महाराज कौन दूध हो, दूध दही की क्या जरूरत है। साहेब ने कहा है, कारी पीरी दुहो गाय ताकर दूध देव बिल गई, काली गाय दो पीरी गाय दो, दोनों का दूध सफेद है। मनुष्य को समझो, एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्ट रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतो गुड़ी हरि होई, काई कबीर राम रम रहिए, हिंदू तुर्क न कोई। राम रहिए रहीम रम रहिए एक ही बात है, अल्लाह राम करीमा केशो हरि हजरत नाम धराया। गाना एक कनक दे गाना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़ाए हुए कुतबा हुए मलना हुए पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के बाणे, काय कबीर हुए दोनों भूले, राम किनो न पाया, वह खसी वह गाय कटावे बाते जन्म गवाया। ऐसा सार वे दोनों भूले कौन कहता उस जमाने में। साहब ने कहा, क्योंकि दोनों कल्याण के लिए परमात्मा को पाने के लिए मूक प्राणियों को काटते, भला परमात्मा देव किसी की हत्या करने से खुश होता है। ये आश्चर्यजनक बात है। विश्व में जितने ईश्वरवादी मत हैं, वे ईश्वर और देवता को खुश करने के लिए जीव हत्या करते रहे और आज भी करते, और जो ईश्वरवादी नहीं रहे वो नहीं करते रहे। स्वामी परंपरा आर्य परंपरा दोनों ईश्वरवादी, स्वामी परंपरा ईसाई यहूदी इस्लामी, आर्य परंपरा जिसके मुख्य हैं वैदिक, ये दोनों जीववध करते रहे धर्म के नाम पर, ईश्वर को खुश करने के लिए देवता को खुश करने के लिए। बुद्ध महावीर ईश्वर नहीं मानते, लेकिन इनको धर्म और कल्याण के लिए किसी जीव को मारने की जरूरत नहीं है। अब असली ईश्वर कौन मानता है ये सोचने की जरूरत है। इन प्राणियों को छोड़ करके हम परमात्मा कहाँ पा सकते हैं। अगर सगुण परमात्मा है तो जो बाहर बैठे हैं लोग हैं, निर्गुण परमात्मा है भीतर है। अंतर्मुख दृष्टि हुई निर्गुण ब्रह्म में ली, बाहर दृष्टि हुई सगुण ब्रह्म में। सगुण और निर्गुण की अगर परिभाषा हो सकती तो यही हो सकती है, सरगुण की कर सेवा निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। साहब कहते सगुण की सेवा करो, ये प्राणी सगुण भगवान है। दुकान पर बैठो तो ग्राहकों को सगुण भगवान समझो, ऑफिस में बैठो जितने काम कराने वाले आए उनको सगुण भगवान समझो। लेकिन उनको सगुण भगवान समझे तो छल किसके साथ करें। इसलिए मंदिर मस्जिद में भगवान की पूजा कर ली, दफ्तर में
और दुकान पर कार क्षेत्र में भगवान का, वहां तो शैतान है, उनको लूटना है। कभी साहब ने इस जड़ता को धिक्कारा, ये प्राणी प्राणी भगवत स्वरूप है, इनके प्रति सद्भाव, सगुण उपासना और निर्गुण उपासना, अंतरात्मा में डूब जाना, अपने आप में लौट आना है। हमें मानव को मानव की दृष्टि से देखना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जात पूछना बंद कीजिए मनुष्य। हाँ, जब तक अंतर जाति शादी सामान्य न हो जाए, आप विवाह वाग के समय पूछ लीजिए लड़का लड़की पक्ष से, और वो भी सब टूट रहा है, मेरा उसमें पक्ष कुछ नहीं है। एक बार एक पत्र आया था मेरे पास, अंतर जाति विवाह आप मानते हैं कि नहीं? मैंने कहा मैं विवाह ही नहीं मानता हूं। अब जो करते हैं विवाह, वो जैसे खुश हो वैसे करें, मेरा उसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं। जब तक आपके मन में मोह है जाति का, पूछ लीजिए विवाह के समय लड़की लड़के की जात, लेकिन कम से कम दूसरे समय तो पूछने की जरूरत नहीं है। अन्य मनुष्यों से सफाई स्वच्छता देखिए व्यवहार लीजिए, सफाई स्वच्छता न देखिए व्यवहार न लीजिए। हर आदमी अछूत और छूत है। जो स्नान करके नहीं है, टट्टी करके निकला है शौचालय से, अछूत है। स्नान कर लिया अछूत नहीं है। नाली साफ कराया उससे हम अछूत है, स्नान कर लिया अछूत नहीं है। शुचिता पर छूत अछूत का निर्धारण होना चाहिए, जन्म से नहीं। साहब ने कहा और के छिए ले तो चींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। उनकी सब बात इतनी जोरदार है और निर्भय, डर नहीं। लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मण घर में जन्मते तो जरा साहस होता, नहीं ब्राह्मण तो क्षत्रिय होते, नहीं तो सेठ हो साठ साहूकार होते, विश्वविद्यालय में पढ़े होते। कबीर साहब कहाँ जन्मे कुछ पता नहीं, पाले गए एक गरीब जुलाहा है, पढ़ाई लिखाई क्या प्रबंध हुआ पता नहीं, लेकिन वे गरजते हीन भावना का नाम नहीं, कितना आदना समझ रहे हैं छुआछूत मानने वाले को। और के छिए ले तो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। अरे पंडित जी बताओ तुमसे नीच कौन है, ये मामूली बात। एक अदना जुराहे का, जुराहे घर का पाला बच्चा ऐसा कह सके, ऐसी गुस्ताखी। लेकिन निर्भय होके कहता, अवंत में लोग सिर झुकाते। कबीर ने जो कहा आज सरकार ने उसको कानून के रूप में ढाल दिया है। ये कबीर विचारों की विजय, कबीर का नाम लिया जाए ना लिया जाए, जो कबीर की चिंता थी वो ये थी कि मानव मानव को मानव की दृष्टि से देखें। आज सरकार स्वतंत्र भारत का ये संविधान कि किसी मनुष्य को आप अछूत नहीं कह सकते, सबका समान अधिकार है सब दिशाओं में, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। अब रिजर्वेशन हो रहा है दूसरे ढंग से हुआ, वो कुछ सुधार के लिए हुआ है, लेकिन उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। पहले दूसरे ढंग का रिजर्वेशन था, ब्राह्मण का रिजर्वेशन था, अगर वो गलत करे तो माफी। जिस गलती से शूद्र कहे जाने वाले बंधु को फांसी दी जा सकती है, उस गलती से ब्राह्मण बिल्कुल साफ पाक छुट्टी पा जाए, ऐसा रिजर्वेशन था। अब दूसरे ढंग का हो गया है, इस ढंग का तो नहीं हुआ है, अर्थ के विषय में हुआ है, वो बैलेंस लाने के लिए। तो कबीर साहब की ये चिंता थी कि समता आए मानव में, और उसके कानून बन गए हैं आज। ये कबीर विचारों की सच्ची विजय। धर्म के क्षेत्र में धर्म के एक अधिकारी ठेकेदार संप्रदाय वाले बनते हैं, और अलौकिकता उसमें मुख्य बात है। जैसे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो जन्म से कोई पुनीत है और जन्म से कोई गंदा है, इस प्रदूषित धारणा ने समाज को तोड़ा है। तैसे अलौकिकता और चमत्कार ने धर्म को तोड़ा है। मेरी किताब ईश्वर की दी हुई है, मेरा महापुरुष ईश्वर का रूप है, उसका भेजा है अथवा वही अवतार है, और मेरी बात ईश्वर प्रदत्त है, मेरे संप्रदाय की बात। जो इसको मानेगा उसका कल्याण होगा, बाकी का नरक होगा।
ये धार्मिकों ने कहा। कोई किताब ईश्वरी है यह धारणा ज्ञान को, समाज को, सत्य को तोड़ने वाली। जहां ये किताब ईश्वरी हुई तहां उसके पक्षधर गुर्राएंगे कि हम ही आस्तिक है, दूसरे नास्तिक। ईश्वर पहले क्या है ये सोचो, क्या ईश्वर किताब लिखता है? ईश्वर भी अलग अलग बना रखा है, सब समाज सब संप्रदाय के ईश्वर अलग है, और हर संप्रदाय का ईश्वर अपने संप्रदाय के लोगों का कल्याण करता, दूसरे नहीं करता है, दूसरे जानू बेचता है या 84 में भटकाता है। ऐसा भी ईश्वर होता है जो एक संप्रदाय का होता है? सूरज किसका है, चांद किसका है, तारे किसके हैं, पानी किसका, हवा किसकी, ये तो सार्वभौमिक है। ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, ईश्वर व्यक्ति नहीं। व्यक्ति ईश्वर क्यों बनाया गया? चौधराना गाठने के लिए। तो एक तो चौधरी रहे नहीं, बहुत चौधरी हो गए, अब सबके ईश्वर लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ अपनी सारी कमजोरियों को छिपाने के लिए व्यक्ति ईश्वर की रचना की गई। एक ईश्वर एक व्यक्ति है जो करुणा और कोप करता है, हम पूजा और प्रार्थना करें तो वो जानता और सुनता और खुश होता है, हमारे पापों का नाश करता है। हम बिना परिश्रम साधना किए, बिना त्याग किए, सारी सिद्धि ईश्वर की कृपा से पा जाएं, भोग मोक्ष पा जाएं, सारे पाप ईश्वर हमारा काट दे। इस दृष्टि से व्यक्ति ईश्वर की कल्पना की गई, और ये दृष्टि नैतिकता को नीचे ले जाने वाली है। हमारे पाप को कोई नहीं काट सकता, पाप का रास्ता छोड़ना होगा। हिंदू समाज में जो सगुण भगवानों की कल्पना की गई उनके पाप नहीं कटे। राम ने बाली को छिप के मारा तो पंडितों ने ही लिखा कि कृष्णा अवतार में जरा नाम के व्याध से वे मारे गए। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तो उसके श्राप से वे पत्थर बन गए। महाराज कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली, उखाड़ी तो नहीं, गोद में लिया था, अतिरिक्त हाथ था, गिर गया तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। अपने कर्मों का फल भगवानों को भोगने पड़े, हम लोग किस खेत की मूली? कोई भगवान आपका पाप काट नहीं सकता है, और बिना आपके परिश्रम किए आप में शुचिता नहीं ला सकता, आपका बंधन नहीं काट सकता। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, उसमें क्षमा नहीं, करुणा नहीं, कोप नहीं, वे कंप्यूटर की तरह है, जो करो सो करो, और वही तथ्य। अगर व्यक्ति ईश्वर होता तो निश्चित है अपने भक्तों को तो बचा लेता। आए दिन मंदिर मस्जिद गिरते हैं, जहां जहां धार्मिक उत्सव होता है भगवान मानने वाले इकट्ठे होते हैं, कई बार नदी में लोग चले गए तो कई बार आग लगी झुलस गए, ईश्वर को बचाना चाहिए था। कितने कट्टर भक्त हैं भगवान को भजने वाले, अंत में बीमारी में सड़ सड़ के मरते हैं। ज्ञानियों के लिए ईश्वर ना कुछ करे, क्योंकि ज्ञानी कहते मैं ही ब्रह्म हूं, लेकिन जो भगवान को अलग मानते हैं तो भगवान को तो उन्हें बचाना चाहिए, नहीं बचा पा रहा है। व्यक्ति ईश्वर की कल्पना ने नैतिकता को दुर्बल बनाया। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। पूर्व प्रवक्ता सिंह जी ने बताया था रित, वेदों में सैकड़ों बार रित शब्द आया, रित नियम। रित के तीन अर्थ हैं, यज्ञ, नैतिकता के नियम और विश्व प्राकृतिक शक्ति के नियम, ये तीन अर्थ आते हैं। चमक कर दी, क्या ये कोई तरीका है? चोरी करे इंसान के घर में, क्षमा मांगे भगवान के घर में? जिनके घर में आपने चोरी की है उनका माल लौटा दे, क्षमा मांग ले, बहुत खुश होगा इंसान। जो ईश्वर आपको चोरी करने से नहीं रोक पाया, वह ईश्वर आपका पाप कैसे काट पाएगा?
ये विचार कीजिए, जो ईश्वर आपको प्याज खाने से नहीं रोक पाया तो उसकी दुर्गंधी की डकार को कैसे रोक पाएगा? नियम कुछ रोकता नहीं, जैसा करो वैसा फल देता। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर की कल्पना कर ली गई है, सारे अनर्थों की जड़ विश्वव्यापी ईश्वर इसीलिए भुला दिया गया और वो अलग अलग हो गया, और फिर किताब बना ली गई अपनी ईश्वरी, इसलिए इस किताब को न मानने वाले सब निरीश्वर हैं और सब नास्तिक हैं, काफिर हैं, शैतान हैं। हमारे संप्रदाय को जो नहीं मानता है वो राय खुदा नहीं, जुदा है, नास्तिक है। और एक संप्रदाय में हमारा वैदिक संप्रदाय, तो वैदिक संप्रदाय में आस्तिक नास्तिक का बड़ा चक्कर है। आदि शंकराचार्य ने वैष्णव को अवैदिक कहा अर्थात नास्तिक, तो वैष्णव ने वेदांतियों को और शंकराचार्य को नास्तिक कहा, वैदिक कहा, ऐसे एक दूसरे कहते हैं। ऐसे दूसरे मतलब इस्लाम में भी है, एक फिर का दूसरे फिर के को काफिर कहा करता है। तो ये सब झगड़े की जड़, नास्तिक कोई नहीं। नैतिकता के बीज सब में, नैतिकता के बीज ही आस्तिकता। चार चोर भी जब चोरी का माल बांटते हैं तो कहते भाई ईमानदारी से बांटना। अब कितनी नैतिकता कौन पालन करता है अलग विषय है, लेकिन नैतिकता का बीज आस्तिकता। लोग कहते मार्क्स नास्तिक है क्योंकि उसके उपदेश से बड़ी हत्याएं हुई, लेकिन ये धर्म भगवान मानने वालों के उपदेश से जितनी हत्याएं हुई, मार्क्स के उपदेश से तो एक लाखवां हिस्सा भी नहीं हुआ है। इसलिए मार्क्स को नास्तिक कहना गलत है। जो इंसान की वकालत करता है नास्तिक कैसे हो? कोई किताब ईश्वरी नहीं, कोई व्यक्ति ईश्वरी नहीं, कोई संप्रदाय ईश्वरी नहीं, सारी किताबें मानव की रचनाएं, सारे महापुरुष केवल मानव, सारे संप्रदाय मानव के चलाए। इसका विचार जब तक खूब नहीं फैलेगा, इस सांप्रदायिक भावना का जार मिटेगा नहीं। कबीर साहब कि कैसे कोई सत्य का एक ठेकेदार हो गया? इसलिए संप्रदाय होना बुरा नहीं है। एक परंपरा में बहुत से लोग चलें अच्छा है, विशेष साधना करें, लेकिन ये समझें कि मेड़े बनती हैं और टूटती हैं, लेकिन जमीन शाश्वत है। संप्रदाय बनते हैं और मिटते हैं, धर्म शाश्वत है। नमाज पढ़ो, पूजा करो, आपका विचार है। दक्षिण पश्चिम मुख करके खड़े हो, पूर्व मुख करके खड़े हो, जैसा मन कर, राम को रहीम को, लेकिन शील से रहो, करुणा से रहो, संयम से रहो, परहेजगारी से रहो, दूसरे के हक को न मारो, अपने पर कड़े रहो, दूसरे पर नरम रहो। इतने में धर्म हो गया, अपने पर कड़ा, दूसरे पर नरम। और दूसरे पर का मतलब संप्रदाय जात लेकर नहीं, मानव मात्र। कबीर साहब तो प्राणी मात्र के प्रति कहते हैं, प्राणी मात्र के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। तो संप्रदाय को लेकर के जो आम हीनत्व की भावना है और दूसरे को नास्तिक काफिर कहा जाता है, ये समाज की एकता में बाधक है। हमें इस तत्व को समझने की जरूरत, धर्म और मजहब के भेद को समझने की जरूरत है। धर्म सनातन, नित्य, अनादि, अनंत। सनातन का मतलब वो नहीं, सनातन तो एक मान लिया जाता है कि रामकृष्ण को जो अवतार माने, वर्ण व्यवस्था माने, गंगा जमुना को पवित्र नदी माने इत्यादि, सनातन धर्म है। तो ये सनातन धर्म तो वेद में ही नहीं मान्य, छह शास्त्रों में नहीं मान्य, उपनिषदों में भी नहीं मान्य। सनातन का मतलब है नित्य धर्म, शील, करुणा, क्षमा, दया, अहिंसा एक शब्द ले रहे, सनातन हो गए, सर्वव्यापी धर्म। इसलिए धर्म और मजहब के भेद को समझने की जरूरत है। संप्रदाय धर्म नहीं है। कबीर साहब ने संप्रदाय नहीं चलाना चाहा, बन गया संप्रदाय। लेकिन ये समझना होगा कि कबीर पंथ भी सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं, कोई नहीं, सत्य सबके अंदर में। आपका जो जीवन और व्यक्तित्व है वो सत्य, उसको शोधिए, अपने पर संयम कीजिए और दूसरे के साथ करुणा का व्यवहार कीजिए, इस सत्य का अनुसंधान कीजिए।
हाँ, इसके लिए जरूरी है कि कोई गुरु उस्ताद सही मिलना चाहिए। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश विद्वान की जरूरत है, अरबी सीखना है तो अरबी मौलवी की जरूरत है, संस्कृत समझना है तो संस्कृत पंडित की जरूरत है। इसी प्रकार जीवन को समझना, आत्मा को समझना, सत्य को समझना तो सत्यपरायण महापुरुष की शरण की जरूरत है। इसीलिए उपासना का अपना पक्ष है, भक्ति का पक्ष है। कबीर साहब ने गुरु पर ज्यादा जोर इसीलिए दिया क्योंकि गुरु के बिना तो कुछ भी रास्ता नहीं दिख सकता है। कितने अध्यापक कहते क्या गुरु की जरूरत है, वे स्वयं समझ सकते हैं, फिर वो अध्यापक क्यों क्यों बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा स्वयं पढ़ लेगा, गुरु की जरूरत है। लेकिन गुरु किस संप्रदाय का है इससे कोई मतलब नहीं। जो जिसे सत्य का बोध हो, सत्य की रहनी हो, वह गुरु है, किसी संप्रदाय का हो। चमत्कार की बात, अलौकिकता की बात धर्म में बहुत है। आकाश में उड़ते हैं, 4 किलो चावल का भात बना, 10,000 लोग खा लिए और 2 अंडा भात बचे। गुरुजी एक ही समय कलकत्ता, बॉम्बे, कानपुर में दिखाई दिए। जो मर गए हैं ऐसे लोग भी मिलते और आदमी भुनगा जैसा हो सकता, हाथी जैसा हो सकता है, पर काया प्रवेश कर सकता है, यहीं से बैठे बैठे पूरे भूमंडल का ज्ञान कर सकता है। ये सब बिल्कुल बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। शास्त्रों में लिखा होने से सब सच नहीं, शास्त्रों पर विचार करने की जरूरत है। जो कहते हैं हम शास्त्रों की सारी बात मानते हैं, वे विचार करें, वे अपनी परंपरा की सारी बातों को मानते हैं। वैदिक पंडितों ने 55 वैदिक मुद्दों को कलिवर्ज कह करके परित्याग करने की राय दी है। आज से 1000 वर्ष पूर्व से उन्होंने कहा कलिवर्ज, जैसे नियोग से बच्चा पैदा करने का प्रचलन था और उन्होंने कहा कलिवर्ज। कई करीब 55 मुद्दे हैं कलिवर्ज के। कोई परंपरा स्वस्थ होकर के जी नहीं सकती है जब तक उसमें सुधार नहीं होगा। जो अपने कहते हैं हम परंपरावादी हैं, वो शुद्ध परंपरावादी नहीं। जो कहते हैं हम परंपरा विरोधी हैं, वो भी सच नहीं कहते। हम परंपरा से हट करके चल ही नहीं सकते। परंपरा भाषा का ज्ञान हमें हुआ है, हम बोल रहे हैं, हम स्वयं भाषा बनाए, वर्ण बनाए, मात्रा बनाए, अलग बड़ा मुश्किल है। परंपरा सुखद है, परंपरा लेने की जरूरत है। परंपराओं में जो दोष है उसको दूर करने की जरूरत है। और ये सब दिशा में हुआ है और आज भी हो रहा है। लोग कहते हैं इस्लाम बहुत कट्टर है, लेकिन इस्लाम में भी हजरत मोहम्मद के जमाने की बात आज की बात में बहुत अंतर है। उनमें भी सुधार है, उनमें भी विचार परिवर्तन होते हैं। कोई रुक नहीं सकता है। दत्ता देखो बिन सनहारा, जस देखो तस करो विचारा। इसलिए निर्णय की जरूरत है। कबीर साहब ने कहा साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को गैर है, थोथा दे उड़ाए। वैदिक ऋषियों ने भी कहा सप्तम्युत्तनापुरंतो यत्र धीरा मनसा वा चमकृत, अत्रा सखाया सख्याने जानते भद्र ईशाम लक्ष्मीर नेतादिवाच। जैसे चलनी से सत्तु छाना जाता है, वैसे विवेकवान मन से वाणी को छानते, वही कल्याणकारी लक्ष्मी निवास करती है और वही मित्र मित्रता के भेद को जानते। इसलिए कल्याण की बात तब संभव है जब निरक्षीर विवेक किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि हम किसी की समीक्षा करें उसको अपना माने। जब तक हम अपना नहीं मानते हैं तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं। आजकल दो धाराएं, एक तो पुरानी धारा है कि जो कुछ है सच है हमारी परंपरा में, तो उसके पक्षधर आज के लोग हैं। लेकिन उन्हीं के परिवार में ऐसे लोग हैं कि ये सब बकवास है, सारी धर्मग्रंथ बकवास, ये सारे महापुरुष कहलाने वाले, ये जहन्नुम में हमें ले गए, इनकी जरूरत नहीं। एकदम उच्छेद बात,
ये दोनों ही गलत है। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जिसमें श्रद्धा बुद्धि का समन्वय है। एक श्रद्धावादी, कट्टर श्रद्धावादी परंपरा की सारी बातों को चाहे वो मान न पावे लेकिन दुहाई देता है कि मैं सब मानता हूं, और दूसरे ऐसे हैं जो उच्छेदवादी परंपरा को ध्वंस करने के चक्कर में पड़े, महाबुद्धिवादी। ये महाबुद्धिवादी जो होना है ये भी उच्छृंखल होना है, और जो श्रद्धावादी अधिक होना है ये अंधकार में डूबना है। श्रद्धा से बुद्धि को शोधने की जरूरत है और बुद्धि से श्रद्धा को शोधने की जरूरत है। कबीर महाश्रद्धावादी और महाबुद्धिवादी, ये उनमें संगम है। कबीर आस्तिक, वे आत्म अस्तित्व को मानते हैं, परमात्मा ब्रह्म सब उसी की भाषा है। वे सदाचार मानते हैं, इस शरीर के बाद भी आत्म अस्तित्व रहता मानते हैं, साधना मानते हैं, वासना मानते हैं कि कर्म किया जाता उसकी वासना बनती है और वासनाओं से छूट करके ही मोक्ष शांति है। कोई माने न माने बात तो है, कोई खुराफात करेगा उसके चित्त में जलन होगी, राग द्वेष करेगा नींद नहीं आएगी। कर्म से वासनाएं बनती हैं और वासनाएं हमें रुलाती हैं। अच्छी वासनाएं सुखद होती हैं, बुरी वासनाओं का शमन होना चाहिए, अच्छे संस्कारों का उदय होना चाहिए, साधुत्व की रहनी होनी चाहिए। कबीर साहब को कबीरपंथी लोग सदगुरु कहते हैं, गैर कबीरपंथी संत शिरोमणि कहते हैं। दूसरे मतों में कबीर साहब का जो आदर है वह केवल खंडन मंडन करते तो कैसे आदर होता, इसलिए वह महाश्रद्धावादी और संत है, अध्यात्मवादी है, लेकिन महाबुद्धिवादी है। ये दोनों का संगम अद्भुत है कबीर में। इसलिए अगर कबीर के विचारों का मनन किया जाए तो आज जो पुरानी और नई पीढ़ी में टूटन चल रही है ये टूटन रुक सकती है। आपने इसमें पढ़े लिखे लोग देखे होंगे, सुने होंगे, हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, एक पुस्तक है हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, यानी तुलसीदास हिंदू समाज के पथ भ्रष्ट करने वाले हैं, और इसके सब लेखक हिंदू हैं, उसमें पंडित भी, और इसके संपादक विश्वनाथ काश दिल्ली के सरिता पत्रिका के में लेख छपे और उसका संकलन रिप्रिंट हो करके छपा और लाखों प्रतियां बिकी और बिक रहे हैं। हिंदू समाज के पथ भ्रष्टक तुलसीदास, क्या तुलसीदास का यही परिचय है? ये गलत परिचय है। तुलसीदास जी ने बहुत काम की बातें कही, उसको रखने की जरूरत है, फिर उनकी जो गलतियां हैं रखी जानी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन एकदम तुलसीदास को ऐसा कह देना ये बड़ा अन्याय है। तो ऐसा वर्ग उत्पन्न हो रहा है कि सब कुछ को उच्छिन्न कर देना चाहता है, और दूसरे लोग हैं कि जो कुछ कहा गया है ग्रंथों में सब सच है। कबीर ऐसा कहते हैं कि ग्रंथों पर विचार करो, जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाए, लोग शब्दों की छाया पकड़ करके घूमते रहते हैं, शब्दों की छाया ना पकड़े, विचारवान विवेकी बने। इसलिए अलौकिकता का भ्रम छोड़ने की जरूरत है। चमत्कार वकील व्यापारी और राजनेता बदनाम है अपनी झुठाई के लिए, और धार्मिक प्रशंसित है अपनी झुठाई के लिए। अगर धार्मिक लोग कहते हैं हमारे गुरु जी आकाश में उड़ते हैं तो प्रशंसित होते हैं, हमारे गुरु जी भोजन नहीं करते हैं तो प्रशंसित होते हैं। अभी कुंभ मेले में आकाशचारी एक योगी आए थे, आकाश में उड़ने वाले, जब उनसे उड़ने कहा गया तो दाएं बाएं देखने लगे। तो इसलिए अलौकिकता और चमत्कार ये दोनों को धर्म के क्षेत्र से दूर करने की जरूरत है, स्वस्थ सदाचार की जरूरत है। परमात्मा ब्रह्म मोक्ष कल्याण खुदा गॉड ये सब शब्द है, इन शब्दों की चरितार्थता आत्मज्ञान और आत्मस्तित्व में।
पूर्व विद्वानों ने आपके सामने कहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, ये बात शास्त्रों में भी कही गई, उपनिषदों में तो खूब कही गई है, वेद में कर्मकांड और प्रार्थनाएं, लेकिन बड़ी धारदार बातें वेदों में जगह जगह है। जहां ज्ञान का विषय है, परिद्यावा पृथ्वी सद्वा परिलोकान पर दिशा परिश्र हृदय तंतु वित्तम विचित्र तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, तत्पश्चात तद्भवत तदासीत, तीन बार उसको देख लिया वही हो गया, वही है, परमात्मा को देख लिया परमात्मा हो गया, परमात्मा ही है। ये तीन कथन की उड़ान है, उनको कहना है कि वो परमात्मा ही है। उपनिषदों में तो अयम आत्मा ब्रह्म हम ब्रह्मास्म कहा ही गया है, गोस्वामी जी को भी कहना पड़ा है, असफुर हृदय अछत अभिकारी, सूफियों ने भी कहा, कहता है खुदा से जुदा खुद को, जो कहता है खुद से खुदा जुदा, कहता है खुदा खुद से जुदा मानो अधूरा, दिखला दे खुद ही में खुदा पीरुषे कहते, राहक हरगिज नया भी तानगिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा तर्क मौला तर्क तर्क, सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता है जब तक दुनियादारी का त्याग, स्वर्ग का त्याग और ईश्वर का त्याग न किया जाए, और इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग न किया जाए। ये सूफी संत कहते हैं, यानी ईश्वर जो अलग मान बैठे उसका त्याग करो, ये आत्मा ही परमात्मा है, सूफी संतों ने भी कहा। इस्लाम में कट्टर ईश्वरवाद है, लेकिन उस इस्लाम में सूफी संत हुए जिन्होंने कहा अनलहक अहम ब्रह्मास्मि, तो ये स्वर सब तरफ से उठता है, क्योंकि सत्य की आवाज तो हर तरफ से आनी है। कबीर साहब ने उसको खोल करके कहा और एक धार से कहा। तो कबीर साहब अध्यात्म के विषय में कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, खुदा की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, निर्वाण की प्राप्ति, ये सब प्राप्त कुछ नहीं करना है, सारे विकारों को धो देना है। सारे विकारों के धुलने के बाद जो आपका दिव्य आत्म अस्तित्व है उसमें पूर्ण विश्राम, ये ईश्वर की प्राप्ति, यही ब्रह्म की प्राप्ति, यही साकेत लोग गो लोग ब्रह्म लोग है, और इससे अलग आप लोग खोजेंगे तो भटकाव है। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, क्यों बोले अभी आप हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, अंत में आया है ये रहना ये चलना राह नाजुक, हमन सिर बोझ भारी क्या, कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, दुई को द्वैत को दिल से दूर कर दो, द्वैत नहीं है स्वयं है, लेकिन ये नाजुक रास्ता है। क्यों नाजुक रास्ता है, जब तक हम सब तरफ से निर्मोह न होंगे तब तक उसमें प्रवेश ना होगा। ये बाहर जो हमने अपने को बांध रखा है, अंदर में प्रविष्ट होने के लिए वैरियर है, उसके रास्ते में वैरियर है, जब हम बाहर से निवृत्त होंगे तब अंदर में प्रविष्ट हो सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने वैराग की वाणी बहुत कही। एक बार एक सरदार जी सभा में मिले, वो बार-बार कहे, कबीर साहब ने वैराग बहुत कहा, उनकी वाणी वैराग से भरी हुई है। गुरु ग्रंथ में भी जो कबीर साहब की वाणी है उसमें भी वैराग की बात उन्होंने क्यों कही। वैराग का अर्थ घर छोड़ना नहीं, वैराग का अर्थ है जो गृहस्थ विरक्त जहां है निर्मोह, निर्मोह होकर के अपने कर्तव्यों का पालन करे। जो जितना निर्मोह होकर के कर्तव्यों का पालन करेगा उतना बढ़िया करेगा, मोहग्रस्त होकर के करेगा तो विकारी हो जाएगा। कबीर साहब ने इसके लिए कहा बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानी आती, वह बच्चे का प्यार करती, उपटन करती, खिलाती पिलाती सुलाती, लेकिन नौकरी छोड़ करके जाने लगती है तो दुखी नहीं होती, समझती है कि मेरा नहीं। इसी प्रकार हमें स्वजनों परिजनों सबको प्यार देना चाहिए, सद्भाव करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कुछ मेरा नहीं, कोई मेरा नहीं है, मैं किसी का नहीं और कुछ मेरा नहीं, ये तथ्य, ये गुण विषय नहीं। राम नाम सत्य एक दिन आता है,
तार आता है, फोन आता है, चिट्ठी आती है, संदेश आता है, अमुक मर गए, हम उनके अंत्येष्ट क्रिया में जाते हैं। हमारे शरीर की भी अंत्येष्ट क्रिया होना पक्का है। इस चीज के करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आनी पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरिन मार के प्राण निकासत, नयनन भरी है नीर, भव सागर एक अगम पंत है, नदी बहत गंभीर, नाव नबेरा लोक घनेरा, केवट है बेपीर, घर तिरियार दंगी बैठी, मात पिता सतबीर, माल मुलुक को कौन चलावे, संग न जात शरीर, लेके बोरे नरक कुंड में, व्याकुल होत शरीर, कहें कबीर नर अजहू चेतो, माप हो तकसीर, करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन की तदबीर करनी चाहिए, वो पक्का दिन है, शरीर का अंत। माप हो तकसीर का मतलब ये नहीं है कि वो कोई दफ्तर खोले बैठे माफ कर देगा, चेतोगे तो माफ समझो, बुराई से रुक गए, बुराई धुल गई, गलत काम छोड़ने से हमारा उद्धार है, गलत काम करते चलें और कोई भगवान क्षमा करता जाएगा, ये ढकोसला चलने वाला नहीं है। जितने पैसा बनाया गया माफी की गुंजाइश से सभी संप्रदायों ने बनाई है, बड़ी बड़ी लिस्टें बनी है, लेकिन वो धोखा है, आदमी कमजोर है, गलती कर देता है, लेकिन धीरे धीरे गलतियों का त्याग करना, सारी गलतियों को त्याग करके एक रस शुद्ध जीवन बनाने से कल्याण है। गलती भी करते चलो, कौन सी साधना है, हाँ कच्ची साधना में गलती हो जाती है, लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए जब परिपक्व हो जाए और गलती बंद हो जाए, मन की मलिनता न रहे, वाणी में विकार न रहे, इंद्रियों में विकार न रहे, किसी कर्म में विकार न रहे। और ये केवल आदर्श नहीं है, ये तथ्य, आदमी अपने को शोधे तो ऐसा हो सकता है। और अंततः अपने चित्त को शुद्ध करना ही देश का कल्याण है। हम अपना चित्त नहीं शुद्ध करेंगे, देश का कल्याण क्या करेंगे। समाज कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति वस्तु, एक एक व्यक्ति मिलकर के समाज बनता है, इसलिए अगर हम सुधर गए तो समाज का एक अंग सुधर गया। उपदेश देने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना स्वयं आचरण करने की आवश्यकता है। हम आचरणवान हो तो दूसरे का मंगल अपने आप होगा। कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जो सबके मिलन बिंदु है, वे सभी दृष्टियों पर, राष्ट्र की दृष्टि में, जात संप्रदाय धर्म अध्यात्म सभी दृष्टिकोणों को लेकर के एकता की बात कहते हैं, या वह ये वो चीज कहते हैं जिसमें अपने आप एकता फलित होती है। इसलिए कबीर वाणी का मनन चिंतन हमें करना चाहिए। कबीर वाणी कबीर पंथ वाणी नहीं, बीजक पूरा पट डालिए, कबीर पंथ शब्द भी नहीं, ना कोई नियमावली, एक तथ्य। इसलिए कबीर को पढ़ने मतलब कोई संप्रदाय पढ़ना नहीं, कबीर को आप पढ़ते हैं आप अपने को पढ़ते हैं, आपके जीवन अस्तित्व का बोध वो कराते हैं और सारे भेदभाव भावों को तोड़ करके सत्य का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए हमारा आपका कर्तव्य है उनकी वाणी पढ़ाएं और सभी दिशा में एकता स्थापित करने की चेष्टा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सतगुरुदेव की।